गुड इवनिंग एवरीवन। ये हम टॉपिक हमारी सीरीज चल रही थी पजल्स की। पजल्स सेकंड का पहले तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद हम पजल थ्री करेंगे, ठीक है जी। अब पजल टू में मैंने पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि हमारे पास फोर वंस हैं, उससे बड़े से बड़ा नंबर क्या बन सकता है, ठीक है जी। चार वन को यूज़ करके बड़े से बड़ा नंबर क्या बन सकता है। कई आंसर्स आए बट ऑलमोस्ट तीन या चार के आंसर ही सही थे, बाकियों के सभी के गलत ही थे। इसका 11, चार वन को यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर यही बनेगा, 11 की पावर 11। दैट इज़ अगर 11 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर आएगा। कई ने लिखा ये है सबसे बड़ा नंबर, दैट इज़ रॉन्ग। ओके, क्लियर है जी कि सबसे बड़ा नंबर चार वन को यूज़ करके क्या आएगा, 11 की पावर 11, कि 11 को अगर 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें सबसे बड़ा नंबर आएगा, ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, जैसे ये हमें फिगर गिवन है, ये हमें सर्कल्स गिवन है, हमने कहता सिर्फ थ्री सर्कल्स मूव करें कि ये चीज़ बन जाए। तो हमने ये थ्री सर्कल मैंने मूव करके दिखाए हैं। एक तो पहले ये सर्कल को आपने, ये वाले सर्कल को इधर बीच में रख देना है, ठीक है। ये वाले को उठाकर यहाँ पे रख देना है, और इस वाले को उठा के यहाँ पे, इस वाले को उठा के यहाँ, ठीक है जी। ये मैंने एरो डाले हुए हैं, ये डालोगे तो ये चीज़ बन जाएगी। क्लियर है, इजी था ये तो क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो अब जो मेरे पास पहुँचे, काफ़ी की एंट्रीज पहुँची, बट जिनके आंसर सही थे वो ये मुझे तीन विनर्स लगे। एक तो था जिन्होंने टाइम पे आंसर भेजे हैं, बाद में भी काफ़ी के आंसर आए बट वो मैंने कंसिडर नहीं किए, क्योंकि जो टाइम लिमिट थी कल तक की लिमिट थी और कल 5 बजे तक की थी। जो आंसर्स मुझे सही लगे, एक तो अमृत जोत सिंह है जो फर्स्ट टाइम भी पजल वन में भी पार्टिसिपेट किया और पजल टू में भी विनर रहा, दैट इज़ अमृत जोत सिंह जी। ये इसने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, मैं आपको वीडियो भी शेयर करूँगा इसकी, जो इसने जिस तरीके से आंसर भेजे मुझे। दूसरे हैं सिद्धार्थ सिंगला जी एंड तीसरे हैं हरमनदीप कौर जी। ये तीनों के आंसर मुझे सही लगे। ये अब हमारे नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं, ठीक है जी। 10 पजल्स के बाद जिनके 10 के 10 पजल्स के आंसर सही होंगे उनको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, वो आगे की बात है क्या है। अभी ये तीन विनर्स हैं हमारे जी, अमृत जोत सिंह जी, सिद्धार्थ सिंगला जी एंड हरमनदीप कौर। चलो अब हम आगे पजल थ्री पे जाएं, उससे पहले आपने क्या करो जी, ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो जी, सब्सक्राइब करो, चलो पहले सभी जाने मेरे चैनल को, एंड शेयर करो ताकि कंपटीशन पता चले कि कंपटीशन हो रहा है, ठीक है जी। चले पजल थ्री पे, चलो नेक्स्ट है हमारा पजल थ्री, ठीक है जी। वेट फॉर ए मोमेंट। पजल थ्री, एक्चुअली ये रहा हमारा पजल थ्री। इस पजल थ्री में हमारे थ्री क्वेश्चंस हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, याद है ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, पजल सॉल्व करने का ये बेनिफिट है, एक तो आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में पता चलेगा, जैसे इससे पता चलेगा ये नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। अब इन प्राइम नंबर्स को यहाँ पे इस तरह लिखना है, इसके बीच में इन सर्कल्स के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह लिखना है, चाहे इधर वाला का टोटल करें, सम करें, वो जोड़ करें, वो सेम आए, इधर वाले का सम या जोड़ करें वो सेम आए, इधर डायगोनल में जोड़ करें वो सेम आए, या इधर डायगोनल टोटल करें वो सेम आए, ठीक है। चाहे रो वाइज सेम आए, चाहे डायगोनल वाइज टोटल सेम आए, इस तरह से इन नंबर्स को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन समझ आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, ये एक तरह से हमें मून की शक्ल दी हुई है, या हमें कह लीजिए चंद्रमा दिया हुआ है। आपने क्या करना है, इसमें दो लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है, जैसे जैसे मैंने ऐसे ड्रॉ की, ऐसे दो लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि इसके 6 हिस्से हो जाएं। ये आपने देखना है कैसे ड्रॉ होगी, ठीक है जी। जैसे मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि अगर ये मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता तो इसके कितने हिस्से होते, 2। ऐसे आपने दो लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से ड्रॉ करनी है जो फिगर बने उसके 6 हिस्से हुए हों, इस शेप के 6 पार्ट्स हुए हों, जो ही नहीं है वो इक्वल पार्ट्स हों, 6 हिस्से हुए हों, समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है, ये हमें माचिस की तिल्लियों का शेप दी हुई है, कहता 2 माचिस की तिल्लियां इस तरह से हिलाइए,
इसमें से दो माचिस की तिल्लियां जो मर्जी उठा लो, जैसे चाहे मैंने ये उठा ली ये उठा ली, आपने कोई भी दो, जैसे मैंने ये दो उठाई, उठाने के बाद जो फिगर बचे उसमें दो स्केयर्स होने चाहिए, ठीक है जी। जैसे अगर ये दोनों उठाऊंगा तो एक तो स्केयर ये आ गया, ये हो गया, ये तो तीन स्केयर्स हो गए। हमने ऐसे दो माचिस की तिल्लियों को इनमें से उठाना है ताकि ये स्केयर बन जाए। कितने स्केयर बने? दो स्केयर, मतलब वर्ग दो बने, ठीक है जी। चलो इसके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना है जी, ठीक है जी। इसका रिजल्ट हम कल अनाउंस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।